Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students of class tenth. I am your Islamiyat teacher, Mamuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Students, as you know, the pandemic of COVID nineteen. Because of it, I have started your lecture. So take out your book of Islamiyat and open the page number forty two. Surah Azab ka ruku number eight. Aapko तर्जमा और तशरी इन आयात की समझाई जाएंगी। ए पैगम्बर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें यह अमर उनके लिए मौजिब शनाख्त हो, इम्तियाज होगा तो कोई उनको एजा न देगा मदीना मुनवरा में जब ख़वान किसी काम से या किसी जरूरत के तहत घरों से निकला करती थी तो वहां के औबाश नौजवान जो थे जो मुश्किन और यहूदी कबाई से ताल्लुक था जिनका वो उन्हें तंग किया करते थे इसकी शिकायत जब उनसे की जाती तो वो कहते हमें मालूम नहीं कि ये मुसलमान खुवान है अगर हमें पता होता तो हम इस तरह की हरकत ना करते ये ये बात जब रसूल सल्लाम को मालूम हुई तो उन्होंने मुसलमानों की इस तकलीफ पर तरद का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजर फरमाई नबी करीन सल्ला अपनी अजवाज मुहतारात अपनी दुख और दीगर सारी मुसलमान खातान को ये हुक्म दे दें कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो एक बड़ी सी चादर से अपने आप को अच्छी तरह लपेट लिया करें चादर का एक पल्लु अपने चेहरे पर डाल लिया करें जब मुसलमान खातान चादर ओढ़ कर निकलती और पर्दा करके निकलती तो औबाश नौजवान इधर उधर हो जाते और उन्हें मालूम हो जाता है कि मुसलमान खातन है अगर इनके साथ हमने कोई बदतमीजी की तो हमें सख्त सजा मुसलमान देंगे होंगे अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी ख़बरें उड़ाया करते हैं अपने किरदार से बाज न आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन वो भी फटकारे हुए जहाँ पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए मुनाफिकी ने मदीना बाहिर त मुसलमानों के साथ रहते थे उनके साथ नमाजें पढ़ते इबादात में शामिल होते मगर अंदर से मुसलमानों के दुश्मन और इस्लाम के बदख्वा थे उन्हें जब भी मौका मिलता तो वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते ये मुनाफिक मदीने में झूठी और सनसनी खबरें फैलाया करते हैं जब रसूल वसल्लम कोई फौजी दस्तों को इधर उधर भेजते तो ये अफवाहें फैलाना शुरू कर देते कि मुसलमानों को शिक... कि उस दस्ते को शिकस्त हो गई है या कुफार जो है कुफार मक्का वो मदीना पर हमला ओवर होने वाले हैं इन आयात में अल्लाह ताला ऐसे मुफसिदीन को तमबीक करता है कि वो अपनी असलाह कर लें और अगर वो अपनी रविश से बाज नहीं आएंगे तो फिर उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी और मुसलमानों को उनके पीछे लगा दिया जाएगा यानी जंग होगी और वो जलीलो ख़्वार होकर इस इलाके से निकाल दिए जाएंगे जहां मुसलमान रह रहे हैं उन्हें जला वतन कर दिया जाएगा और अगर रहेंगे भी तो ज़िल्त और खुआारी के साथ वो रहेंगे और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुद अल्लाह तला की ये आदत रही है और तुम अल्लाह की आदत में तगैये और तबदल न पाओगे इनसे पहले भी जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें भी अल्लाह ताला ने पहले तंबी की जब वो बाज नहीं आए तो उन्हें फिर सख्त अजाब दिया गया लोग तुम क्यामत की नस्बत दरियाफ्त करते हैं कह दो की इसका इल्म अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या मालूम शायद क्यामत करीब ही आ गई हो बेशक अल्लाह ने काफरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है इसमें अब्दुल आबाद रहेंगे ना किसी को दोस्त पाएंगे और ना मददगार रसूल वाले वाले से बार, बार सवाल करते थे कि क्यामत कब आएगी ये सवाल वो हासिल करने के लिए नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के लिए करते थे दरअसल उनको आखरत के आने का यकीन ही नहीं था वो सिर्फ आप सल्ला को तंग करते नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते थे की हमारी खबर रहने के लिए क्यामत आ ही क्यूँ नहीं जाती उनका ख्याल था की क्यामत और आखरत की खबर सिर्फ धमकी है असल में इसका कोई वजूद नहीं है तो रसूल सल्ला अल्लाह ने फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है और क्या मालूम कि क्यामत जल्द ही आ जाए कहने का कहने का मकसद ये है कि कयामत जो है वो अपने वक्त पर ही आएगी और ऐसे लोग जो इनकार कर रहे हैं शिरक कर रहे हैं जो मुनाफिक हैं जो मुशरकिन हैं उनके लिए कयामत क्या है एक जहन्नुम की भड़कती हुई आग जिसमें उनको डाला जाएगा जहां वो हमेशा जलते रहेंगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा वो किसी को भी वहां जहन्नुम में अपना मददगार और दोस्त नहीं पाएंगे जो उन्हें इस अजाब से निजात दिला सके अल्लाह तला ने कुार और मुनाफिक को इन आयात में क़्यामत का मंजर बताया है कि वहाँ उनका क्या हाल होगा आखरत के दिन जब उन मुनाफिक और कुफार के मुंह आग में उल्टे लटकाए जाएंगे तो वो अपने ऊपर अफसोस करेंगे और कहेंगे आकाश हम दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बात मान लेते तो ये दिन देखना ना पड़ता और वो इस पर इल्जाम जो है वो अपने सरदारों और मज़हबी पेशवाओं को देंगे और उस वक्त पुकारेंगे रब इसमें हमारा इतना कसूर नहीं हमारे सरदारों और हमारे मजहबी पेशवाओं ने हमें जिस रास्ते पर चलने को कहा हम उस पर चलते रहे उन्होंने हमें गुमराह किया है तू हमें माफ कर दे और उन्हें दुगनी सजा दे और उन्हें दोगुना अजाब दे उम्मीद है इन आयत का मफहम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स यू शुड प्रे फ्रॉम अल्लाह टू की Stay home, stay safe. Allah Hafiz.